हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निवेदिता। बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष ने कुछ महीनों पहले ही अनुराग कश्यप पर रेप का आरोप लगाया था, जिस मामले में अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। अब पायल घोष ने मामले में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जताई है और ट्विटर पर दो पोस्ट लिखे हैं। पायल घोष ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, लगभग 4 महीने हो गए हैं, मैंने अनुराग कश्यप के खिलाफ सबूत मुहैया करा दिए हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे मरना होगा? पायल घोष ने अपने दूसरे ट्वीट में मुंबई पुलिस की नियत पर सवाल खड़े किए हैं। पायल घोष ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा है, काफी समय हो चुका है लेकिन मुंबई पुलिस ने अभी तक अपना काम ठीक से नहीं किया है। ये मेरी तरफ से अनुरोध है, हम ऐसा करके क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं? ये महिलाओं का मामला है और इसको लेकर हमें जागरूक रहना चाहिए। अदाकारा पायल घोष इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से गुहार लगा चुकी हैं। पायल घोष ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई थी। पायल घोष ने अपने ट्वीट में लिखा था, मैं अनुराग कश्यप के साथ एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिलने वाली थी और मेरे मैनेजर ने उनसे मेरी फिल्में देखने का अनुरोध किया था। मिस्टर कश्यप ने मेरे कोस्टार के साथ मेरा रिश्ता खराब करने की कोशिश की थी, वो भी बिना किसी सच के। प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, मुझे अभी भी न्याय की उम्मीद है। आपको बता दें, पायल ने 22 सितंबर को मुंबई के वर्सोवा थाने में अनुराग कश्यप के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने उनका 2013 में वर्सोवा में रेप किया था। वहीं पूछताछ के दौरान अनुराग आरोपों को गलत बता चुके हैं, जबकि मुंबई पुलिस को दिए गए अपने बयान में कश्यप ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा था कि वो शूटिंग के लिए श्रीलंका में थे। उन्होंने आरोपों को पूरी तरह से झूठा करार दिया। खैर, देखने वाली बात तो अब यह होगी कि पायल घोष की इस नाराजगी पर मुंबई पुलिस कोई एक्शन लेती है या फिर नहीं। वैसे आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।